हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपराजिता एंड वेलकम टू माय चैनल अपराजिता स्पाइसी ग्रिल। आज हम बनाएंगे दही वाली एग करी। इसमें प्याज काटने का, प्याज भूनने का कोई झंझट नहीं है, मसाला बनाने का कोई झंझट नहीं है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान और बहुत ही चटपटी एग करी रेसिपी है ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना ज़रूरी है ताकि आगे मैं कोई भी रेसिपी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो, आपसे कोई स्टेप मिस ना हो, इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं दही वाली एग करी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए अंडे, 1 कप दही, आधा कप मलाई, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 कप चॉप की हुई हरी धनिया, 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून पुदीना पाउडर। सबसे पहले हम अंडों को एक टूथपिक के हेल्प से चारों तरफ से छेद लेंगे। इस तरह से इसमें छेद कर देंगे, इससे क्या होगा जब हम एग्स को फ्राई करेंगे तो ये स्प्लटर नहीं करेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें दही डालेंगे और एक एक करके सारी चीजें डाल देंगे। एक विस्क से सारी चीजों को मिला लेंगे, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। अंडों को हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इस मिक्सचर का जो फ्लेवर है वो अंडे के अंदर तक जाएगा और एग करी हमारी बहुत टेस्टी बनेगी। इसको ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। एक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे और अब हम इसमें एक एक मैरिनेट किया हुआ एग जो है उसको धीरे धीरे डालेंगे। और देखिए, हमने एग्स में छेद किया था इसलिए ऑयल एकदम से स्प्लटर नहीं कर रहा है, यानी कि ऑयल के छींटे नहीं आ रहे हैं। इसको चारों तरफ से हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको करने में हमें लगभग 1 मिनट लगेगा। फ्लेम हमें मीडियम रखना है। ये देखिए, एग्स बहुत अच्छे चारों तरफ से फ्राई हो गए हैं और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी पैन में बिना एक्स्ट्रा ऑयल ऐड किए हम इसमें योगर्ट वाला जो हमारा मिक्सचर है वो डाल देंगे। तेल अब हमें इसमें कहीं पर भी नहीं डालना है क्योंकि हमने मिक्सचर में मलाई डाली है और फ्राई होते टाइम मलाई अपना घी छोड़ देती है। अगर हम एक्स्ट्रा ऑयल डालेंगे तो हमारी रेसिपी बहुत ऑयली बन जाएगी। इसको मिक्सचर को हमें बॉयल करना है। बॉयल जैसे ही होगा तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और इसको चलाते रहिए मीडियम फ्लेम पर। इसको तब तक बॉईल करना है जब तक हमारा मिक्सचर थिक ना हो जाए, यानी कि गाढ़ा ना हो जाए। इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती यहाँ आप डालना चाहें तो डालिए, अदरवाइज ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको करने से बस थोड़ा सा रेसिपी का फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। ये देखिए, मिक्सचर हमारा गाढ़ा होने लग गया है, ग्रेवी हमारी तैयार है और एग्स भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। सबसे पहले एक बाउल में एग्स को अरेंज करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब हम इसके ऊपर से गरम गरम ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी गरम गरम आप डालेंगे तो जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो एग्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे।
अगर आपके यहाँ सडनली कोई गेस्ट आ गया और आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो इसको बनाने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही चटपटी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे लिखकर बता सकते हैं। ऑल सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। जल्दी मिलेंगे एक और मज़ेदार नई इजी झटपट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ। बाय।